वेलकम टू गोवा न्यूज नाउ फ्रेंड्स, आज असा वास्कोस आयओसी मार्केट आयओसी कडे आयओसी टँकीचे साइडिंग जे तुम्ही पळता, दिस इज म्युनिसिपालिटी कंस्ट्रक्टेड शेड। ये सद्या वास्को चिकन आणि मटन मार्केट म्हणून जाणा जाता। आणि ये जे लोग हा वेंडर हा ते सगळ्याची मागणी असा की खूपशे वर्षा झाली जे वास्को भितर ऑफिशियली एक स्पेस दिलेला असा फॉर यू नो फॉर सेलिंग चिकन एंड मटन, पण हेजे बाहेर वास्कोन खूपशे इलिगल शॉप्स किंवा कियोस्क चालू असा दॅट इज यूज्ड एज चिकन शॉप्स विच इज नॉट ॲक्च्युली यू नो लिगली अलाउड बिकॉज अंडर हेल्थ ॲक्ट गाडाज अँड कियोस्क कॅन नॉट बी यूज फॉर स्लॉटरिंग यू नो ऑफ चिकन और मटन। बट हेअर इन वास्को म्युनिसिपालिटीचे ज्युरिडिक्शन असे खूपशे इलिगल शेड्स असा जे एरियाज असा वेअर इलिगल शॉप्स आर ऑपरेटिंग। सो यांची मागणी असा की ते सगळे बंद जावचे, कित्याक हे जे प्रिमायसेस असा हे हांगाच ऑपरेट करता आणि हांकां आता कस्टमर ना। सो दे टुडे आर यू नो इंटेंडिंग टू एड्रेस मिडिया ऑन दीस इशू आणि डिमांड करता ते की जे म्युनिसिपालिटी असा दे शूड टेक ॲक्शन अगेन्स्ट दीस इलिगल ऑपरेशन्स आउटसाइड दिस पर्टिक्युलर शेड विच इज नोन एज वास्को चिकन मटन मार्केट। ऑफिशियली हे मार्केट अजून करूना डिक्लेअर करूना दिसता म्हाका, पण दीस शूड हॅव बीन डिक्लेअर्ड एज अ ऑफिशियल मटन चिकन मार्केट बिकॉज हांगा खूपशे वेंडर्स एकटे रावन यू नो टुगेदर दे आर ऑपरेटिंग हेअर। बट सध्या त्यांची परिस्थिती अशी असा जसे फिशर फोक्स कम्युनिटी थोडे दीस पहिली भायर आयले डिमांडिंग अगेन एक्शन अगेन्स्ट ऑल इलिगल फिश वेंडर्स आउटसाइड सिटिंग ऑन द रोड एंड अदर एरियाज। आता अशी पाळी झाली की आता फिश सोडून आता चिकन आणि मटन वेंडर बाहेर आले डिमांडिंग एक्शन अगेन्स्ट ऑल सच इलिगल ऑपरेशन्स। सो ऐका तुम्ही की त्यांचे किती म्हणणे असा आणि वॉट एक्झॅक्टली दे वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट टू दी म्युनिसिपॅलिटी। चिकन मटन शॉप, सो यू कॅन सी दिस इज द मार्केट where these people are selling chicken and mutton and you can see many of them are sitting idle, customer na munta mhanun tenka the business na। abhi vasco ka ye shops hai aur baina bhi municipality market ka shops hai, do shops hai। तो हम लोग उनको रेंट पे कर रहे हैं और हम लोग को भाड़ा भी उन्होंने बढ़ाया है। हम लोग फूड एंड ड्रग्स को पैसा भरता है, हेल्थ का हमारे पास लाइसेंस है, गोवा बोर्ड पॉल्यूशन का लाइसेंस है। तो सब हम लोग ने और हम लोग ने अच्छा शॉप रखा है, हाइजीन रखा है एकदम, सब पानी वगैरह सब सिस्टमेटिक हम लोग ने रखा है। लेकिन इसके अलावा जो है हम लोग को बिज़नेस कुछ नहीं है, बाइना मार्केट हुआ और वास्को मार्केट में कुछ बिजनेस नहीं है और इनलीगल शॉप इतना खुला है कि हम लोग को वहाँ से पब्लिक कोई आता नहीं। बाइना में हमारा म्युनिसिपैलिटी मार्केट है और मांगूर में इतना शॉप्स है कि वहाँ का एक ग्राहक नहीं आता है, तो हम लोग क्या बिजनेस करेगा और क्या रेंट पे करेगा म्युनिसिपैलिटी को। तो म्युनिसिपैलिटी से हम लोग का रिक्वेस्ट है कि वो हमारे बारे में सोचना पड़ेगा हम लोग, क्योंकि जैसा चेयरपर्सन है लियो और हमारा MLA दाजी, उनको सोचना पड़ेगा कि मार्केट को कुछ ऐसा करके दिया पब्लिक मार्केट में आए और ये जो इनलीगल शॉप्स है सब बंद होना चाहिए। आप लोग दाजी के पास गए थे? हम लोग बीच में हमारी कमेटी गई थी तो दाजी ने हम लोग को बोला कि आप हम लोग करेंगे, आप म्युनिसिपैलिटी से भी बात करो और आपका जो हम लोग ने एसोसिएशन बनाया अभी मार्केट का तो उसका हम लोग ने लेटर दिया है उनको, तो और भी एक अन्य वाले लेटर देने वाले, तो अब वो उनके हाथ में वो क्या करते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जितने इनलीगल शॉप्स हैं वो बंद होना चाहिए, क्योंकि उनके पास अभी वो जैसा गाड़ी में उन्होंने शॉप्स खुलाए, गली गली में शॉप्स खुलाए, मांगूर में जैसा, तो रेसिडेंट एरिया है वहाँ पे अलाउ नहीं है। जब हम लोग लाइसेंस लेने के लिए गए थे तो उन लोगों ने हम लोग को बोला आपके पास क्या है, गोवा बोर्ड पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट है, हेल्थ का सर्टिफिकेट है, तो सब हम लोग ने जमा करके उसके बाद में हम लोग को उन्होंने लाइसेंस इशू किया है। और आज हम लोग हमारे पास कस्टमर नहीं है, पब्लिक को क्या हो रहा है, रेसिडेंट एरिया में चिकन मटन मिल रहा है तो वहाँ से वो लोग ले रहे हैं, हम लोग को कोई बिजनेस नहीं, कुछ हमारे पास पब्लिक आने को तैयार नहीं। तो हम लोग अभी ऐसी परिस्थिति है, हमारी ऐसा पोजीशन है कि हम लोग को रेंट पे करना और काम वालों को पगार देने के लिए मुश्किल हो रहा है। आप लोग का इतना ही है कि वो जो इलीगल है वो बंद करने का? हाँ बस,
उन लोगों का सब बंद होना चाहिए, और जो लाइसेंस वाले हैं उनका शॉप मार्केट जैसा हुआ, बायना म्यूनसिपल मार्केट, वास्को म्यूनसिपल मार्केट है, तो उनको आप कुछ अच्छा हेल्प करो। आपको क्या लगता है कि म्यूनसिपालिटी उनको लाइसेंस दे रहा है या नया लाइसेंस इशू कर रहा है? अभी बहुत से ऐसा शॉप्स है जो उनके पास लाइसेंस नहीं है, ऐसे ही चला रहा है वो लोग, जैसे मांगूर वगैरह में हुआ, उनको लाइसेंस मिल सकता ही नहीं, क्योंकि पास उनको हेल्थ का पहला NOC लेना पड़ेगा, फिर गोवा बोर्ड का पोल्यूशन का NOC लेना पड़ेगा, उसके बाद म्यूनसिपालिटी उनको लाइसेंस इशू करती है। जब वो उनको मिलेगा नहीं तो लाइसेंस इशू का सवाल ही नहीं पड़ेगा, और बाकायदा सेवरेज होना चाहिए। तो एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्या लगता है आपको एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? अभी एक्शन इसलिए नहीं हो रहा है कि मालूम नहीं, पता नहीं क्यों वो लोग स्टार्ट कर रहा है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। हम उसके बारे में, म्यूनसिपालिटी है ना यहाँ पे, फिर भी कुछ एक्शन नहीं हो रहा है, क्यों, क्या लगता है? तो इसमें हमारी थोड़ी गलती है, हम लोग जाके पूछे नहीं पहला म्यूनसिपालिटी में, हम लोग ने कंप्लेंट पहुँचाया नहीं, तो अभी हम लोग ने लेटर दिया है म्यूनसिपालिटी को, क्योंकि आप लोग उनके ऊपर एक्शन लो। म्यूनसिपालिटी ने बोला है ठीक है हम लोग एक्शन लेते हैं, आप पूरा कमेटी आपका एसोसिएशन बनाओ, उसके बाद हमको लेटर दो। तो हमारा एसोसिएशन बन चुका है, अभी हमने ऑलरेडी लेटर दिया है उनको। तो आपके इसके माध्यम से हम लोग क्या चाहते हैं, आप भी थोड़ा मीडिया में इसको डाल दो, क्योंकि म्यूनसिपालिटी को भी मालूम पड़े कि हम लोग मीडिया तक पहुँचे करते हैं। ओके थैंक यू। अब बात करिएगा, हाँ क्या इशू है सर? मतलब इशू हमारे मध्य फुल्याने एक शॉप असलोली पहिली, आता एकाची चार शॉप झाले, तीन ते आम्ही कोर्टांचे जिकून भी आणला, ते 7 वर्ष झाले आता जिकून, आम्ही म्युनसिपालिटी अप्लाय भी केले, ते लेटर घातलेले, म्युनसिपालिटी काय माझी ॲक्शन घे नाही, ते आम्ही किती म्हणतो आता आम्ही ऑर्डर तिंगा जिकून आणला, किती आमचे आता दादी सरकारने सगळे रोड केला, सगळे केला, सगळे डेव्हलपमेंट करतात, मात्र आमका बी मात्र किती करे हेल्प कर, म्हणजे लिओ सर्वे हा माझा विचारला ते का, तो म्हणतात तुमका हेल्प करी, हा मात्र किती तुमची कमिटी सगळे बोलूया, हाँ किती सांगतात चार, आता एकाची चार झाला तिंगा शॉप, त्या म्हणतात तिंगा आम्ही कोर्टातून जिकून आणला, ते मात्र वसपास आहे, आणि इलिगल बाहेर खूप आहे, त्यामुळे एक शॉपाची 10,000-15,000 भाडे आहे, आणि वेस्टाची आम्ही रेंट पाठी करतो महिन्याची 1,500 सगळे करता, म्हणजे आमचे किती सगळे करता मासे किती आहे, आमचा एक रिक्वेस्ट आहे ते इलिगल आहे, मासे त्यांना ॲक्शन घेऊ। प्रॉब्लेम काय आहे? प्रॉब्लेम हे आहे, प्रॉब्लेम हे असा की पळ आता हे म्युनसिपालिटीन दिले स्पेस म्हणून दिले आरती केले पकडना म्हणजे ते आम्ही पोलिसीन चलयता हांगा, आणि पहिली काय नाही फक्त एकच चिकन मार्केट आसली ती थिंगा त्या आईस फॅक्टरी कडे एकटो विकतालो पहिली खबर 40 वर्षां पहिली, मागीर म्युनसिपालिटीन किती केलें की हे फिश मार्केट बांधलेली पहिली, तर ते हांगा किती ऑब्जेक्शनां लागून फिश मार्केट तशी उरली आणि ते येऊ ना, मागीर ॲडमिनिस्ट्रेटर रोल येलो, मागीर त्यांना फक्त काउन्सिलर नासले, चेअरपर्सन नासलो, ॲडमिनिस्ट्रेटर आसले, त्यांना शेख हसन हांगाचो मिनिस्टर MLA आसलो, ते टायमार तेमी किती केले थिंगा मटन जागो चढ जावपाक पडलो, ताका लागून तेंची शिफ्ट हांगा केली, तर फक्त हांगा म्युनसिपालिटीसून सांगला आणि दिल्ले आहात त्यांना की चिकन आणि मटन हांगा येवचे, तर हांगा बरे भाशेन चलताले, बरे भाशेन बिजनेस जाताले, सगळे बरं सारखे आसले, बेरेबेन थोडे आउटसायड शॉपां पडली, वेजिटेबल मार्केटान दोग तीग जाणांनी शॉपां घातली, तर हांगा गिरायक येवपाक बंद जाले। सो आतां म्हाजो बी एक, हांव बी हांगा एक चलयतालो एक शॉप, तेन्ना बरें चलतालें म्हाजे बी बिजनेस, तेन्ना ही शॉपां जाली तेन्नासून आमकां बिजनेस कांय ना, तेणें हांवें बंद केलो आनी शॉप तशेंच दवरलो। तुजो डिमांड कितें आसा, कितें म्हणून? आतां आमचे डिमांड इतकेंच आसा, आमी हांगा सारे क्लिनींग हेल्थाचे जावं क्लिनींग टायल्स बी सगळ्यांक क्लीन करून दवरला, थिंगा शॉपां विकता चिकन ते कांयच क्लीन ना, हायजीन ना, हायजीन ना, आनी सगळें वास्को भर प्रत्येक जाग्यार, ताका लागून हांव रिक्वेस्ट करतां आमचे MLA जावं हाजी सालकर, आमचे CM सॉरी चीफ ऑफिसर तांकां लिवक सांगता की आमकां लागून मातशें कितें तरी इनिशिएटीव घेया, कित्याक सगळे कडेन घातले आमचे सगळे चिकन मार्केटवाले तांकां कांय धंदो ना, भाडे भरता ते कांय ना, कामाक लोक आसा हांगा, थिंगा चिकन मेळ्ळें हांगा कोण येतलो, रिक्वेस्ट करता तांकां जाय जाल्यार भितर खंय तर एडजस्ट करा, एक कडेन मार्केट करा, चिकन एक कडेन मेळपाक जाय, हांगा थिंगा मेळ्ळ्यार गिरायक येवचो ना हांगा, तर म्हाजे रिक्वेस्ट आनी व्हडलो उपकार जाता, आमकां MLA कडेन चड करून रिक्वेस्ट करता, ते आमकां मातशें हेल्प करचें सांग।
आमचे डिमांड हे आहे पण की हे जो हे आता 30 वर्षा पहिली यांच्यानी टेंडरात काढलेले त्यांना जॉन मनेलवास असलो MLA आणि अल्मेदा चीफ ऑफिसर असलो आणि असे ॲडमिनिस्टर असलो यांच्याने मिळून एका पहिली बेस्टेट सेट बांधला मागील ते नुसते कारक दिला दोन कडे हांगा आणि पोरणे मार्केटात ते दोन्ही कडे यांचे दोरादो आणि ह्याचे कालवाचा ते किती जाऊन ना त्यांना दोरादो वास्को MLA आणि तो मुरमगावचो MLA यांच्या दोन्हीचे पटून म्हणून दोन कडे मार्केट जाऊन ते मार्केटात हेल्थन गेले ना प्रत्येक हे झाले आमचे इतले मुळख हा हे जाऊन हे सोपा झाले आता आमका गिराईक ना मार्केटात हा बायनाचो शालिमार मटन अँड चिकन शॉप माझी बायना म्युन्सिपाल्टी आता बाहेर इतले सोपा झाले आता आमका गिराईक ना मध्ये आमचे 20 कोंबडी वसना आता एक बोकडो खपना हे आमचे रिक्वेस्ट असा तिन्ही MLA कडे मुरमगाव वास्को आणि दाबोली तिन्ही MLA कडे रिक्वेस्ट आता आणि चीफ ऑफिसर प्रेसिडेंट यांच्याकडे रिक्वेस्ट हा की हे मासे किती हा ते इन्क्वायरी करून त्यांचे बंदोबस्त करपाचे तर आमचं ना भायले त्यांच्याकडे किती हा ते मला काय खबर ना हा त्यांना तिथे चार पाच वर्ष ते किती हवं ते म्युन्सिपाल्टी फोन रिगार्डिंग वास्को चिकन मार्केट ऑल इन वास्को we are facing lot of problems in the market because nobody is coming to the market now. They are losing lot of business and you know there are lot of complaints coming in about health. People are buying like from vendors outside Vasco and you know like the chicken conditions where they are slaughtered is in a very bad hygiene. No hygiene mandate, no licenses, no trade license, no health license. So, you know, we demand the authorities, you know, to take action because we are suffering a lot. Thank you.